यू टू फैमिली, क्या हाल हैं आज? ये जी मेरी बेटी का नाश्ता बन रहा है। ठीक है, ब्रेड मैंने रख दी है ऊपर उसको बनाने के लिए, और जनाब थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगी ना फिर मैं इसको निकालूंगी इंशाल्लाह। तो जी यहाँ से एक स्पून ले लेते हैं। ठीक है, चीनी डाली है, फूड कलर डाला है और मिल्क है। ठीक है, सिर्फ तीन चीज़ें इसके अंदर मैंने स्प्रेड की हैं और अब इसको मैं पकाना शुरू कर रही हूँ। ये थोड़ा सा उबल जाए, ज़्यादा नहीं उबालूँगी, ज़्यादा मेरी बेटी पसंद नहीं करती है, इस वजह से थोड़ा थोड़ा हिला देंगे। उसके बाद घी मैंने ये फ्राई करने के लिए रख दिया है, थोड़े से ब्राउन हो जाए। यार चूल्हा मेरा गंदा हो रहा है, कल तो मैंने साफ़ किया था, ये रोज़ गंदा हो जाता है। चल मेरे भाई ये देख, हो गया। चलो ये तो बॉयल्ड हो गया है, इसको मैं बंद कर देती हूँ, ऊपर से निकालती हूँ प्लेट। ठीक हो गया हमारी प्लेट, इसके साथ एक हमारा फोक आ गया, एक हमारी स्पून आ गई, दोनों चीज़ें मैंने रख दी हैं। अच्छा जी, ये जल्दी से हो जाए ना, ये सोते हो जाए। उसके बाद फिर इसको मैं थोड़ा थोड़ा सा ब्राउन करना है, इतना ज़्यादा नहीं करना है, ज़्यादा ब्राउन करेंगे तो इश्यू होगा। ठीक है, अब ये जैसे ही गर्म होता जा रहा है ना, इसको इसमें डालते हुए साथ में आपको बताती हूँ अभी करना है। इसका मैं फ्लेम ऑफ कर देती हूँ और यहाँ से उठा के सीधा इसके अंदर, ठीक है, और इसके अंदर से उठा के सीधा की प्लेट। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये मैं ज़रा पीछे कर दूँ इनको, मैडम की चीज़ें। अच्छा, ये थोड़ा थोड़ा ब्राउन हो गया, इसको अब थोड़ा थोड़ा डिप करूँगी ना तो इस तरीके से सही। अच्छा, आज मैं आपको ना इसी वीडियो में आपको ये देखिए मेरी दीवार कितनी गंदी हो रही है, ये सारी दीवारें इतनी ज़्यादा गंदी हो रही है। इसको मैं कितनी मरतबा साफ़ कर चुकी हूँ लेकिन उसके बावजूद इसका यही हाल होता है। ये देखिए, ये दीवारों की हालत देखिए जी, शायद कैमरे में नज़र नहीं आ रहा होगा, बहुत बुरी हालत हो रही है। अब मैं सोच रही हूँ कि इनके साथ में क्या किया जाए जो ये बिल्कुल क्लीन एंड नीट हो जाए। तो मेरे पास एक टोटका है, वो इंशाल्लाह ताला मैं आपको बता दूँगी। ठीक है, तो आपकी दीवारें 2 मिनट में चकाचक साफ़ सुथरी हो जाएंगी। ठीक है, इसी वीडियो में इंक्लूड कर दूँगी। सही, देखिए इसको जितना आप देर तक रखेंगे ना इतना ही हो जाएगा। इसके ऊपर चांदी के वर्क भी लगते हैं, सोने के वर्क भी लगते हैं, लेकिन जो है आप मर्ज़ी है। इसके ऊपर पिस्ता बादाम सब चीज़ें आप इसके ऊपर ना स्प्रेड कर दें तो ये देखिए बिल्कुल ये सारा इसने सौते कर लिया है। अच्छा, जो बाकी रह जाता है वो मैं इस तरीके से इसको इसके ऊपर डाल देती हूँ क्योंकि ज़ाया नहीं होनी चाहिए कोई भी चीज़। और ये जनाब अब नाश्ता जा रहा है मेरी बेटी के पास। ये देखिए, इसको कहते हैं शाही टुकड़े। ये शाही टुकड़े इस तरीके से बनते हैं और ये मेरी बेटी का सुबह का नाश्ता है। अभी मेरे बेटे साहब उठे नहीं हैं, तो उठेंगे तो उनका भी नाश्ता अंडा पराठा बन जाएगा। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं गई थी मार्केट, वहाँ से मैं कुछ सौदा लेकर आई हूँ। ठीक है, और ये गोश्त की मैं सफाई अभी कर रही हूँ, मैं देख लीजिए आप इस तरीके से मैं बना के रख देती हूँ। ठीक है, ये मैंने मटन लेकर आई थी, मटन की मैंने 3 उसकी बना दी हैं। ठीक है, अच्छा, तो और मैंने चिकन जो है ना वो धोने के लिए रख दी है। अब पहले मैं चिकन जो है ना वो अच्छे तरीके से वॉश। इसमें था शॉपर्स ने थे नहीं तो मैंने इन्हीं को कटिंग करके ना प्याज के शॉपर्स को बीच में से, तो ये मैं 3 खबर बना के, तो ऐसे भी हमें थोड़ी करना होता है। ठीक है, तो इस तरीके से 3 थैली मैं बना के रखती हूँ। साफ सुथरी सी और जब मैं चिकन पकाऊंगी तो मैं उसमें थोड़ा सा इस तरीके से उसको बांध दूँ। बाकी आप इजीली जो आपके शॉपर आते हैं जिससे सौदा आता है वही आप ले लें और उससे ना आप इस तरीके से बना के शॉपर बना के रख दें। और तीनों की मैंने अलग से प्लेट रख देती हूँ ताकि जो है ना इस तरीके से। Don't fly too high.
not in sight. Fly forever if you keep it tight. आपको ये चिकन की हमारा बन गया हिसाब किताब, ठीक है? चिकन का बना के रखा है, कराई वो भी मैं आपको दिखा दूँगी थोड़ी देर में। ये सारा उठा के ना इसमें कर देती हूँ, मिल जाएगा जब भी मुझे पकाना हुआ। आज मैं लिवर ही रखती हूँ, आज मेरे बच्चे जो है ना, मैं सोच रही थी कि आज पकाऊँ क्या, तो ये मैं लिवर लेकर आएंगी मटन का, ठीक है? हाफ के जी था तो मैंने कहा चलो इसको भी आज वॉश करके तो इसको पका लिया जाए, क्योंकि बड़े का तो लीवर आपको पता कैसा अच्छा नहीं होता है, ठीक है? इसलिए छोटे गोश्त का मैं लेकर आई। ये सब्जियाँ और वेजिटेबल्स मैं लेकर आ गई थी, ठीक है? कुछ वेजिटेबल्स लेकर आ गई थी, कुछ सब्जियाँ, कुछ मसाले मैं लेकर आ गई थी, थोड़े से मसाले भी हम ले आते हैं, बाकी मसाले तो मैं अपने कैबिनेट में डाल दूँगी। सब्जियाँ सारी जो वॉश करने वाली मैं वॉश कर लूँ, सब कैबिनेट में डाल दूँगी। आज मैं एक नई चीज़ लेकर आई हूँ, ठीक है? नई चीज़ लेकर आई हूँ, मैं आपको दिखाऊंगी। प्लेट देनी है आपको, इसको मैं सर्च करती हूँ, हम लोग फर्स्ट टाइम लेकर आए हैं, मैं आपको दिखा दूँगी कि ये क्या चीज़ है, ठीक है? तो ये अगर किसी को पता है तो मुझे बता दे, वैसे मैं इसको सर्च करती हूँ कि ये है। ये देखिए, करीब करके दिखाती हूँ क्या चीज़ है। अरे ये ब्लैक कलर का कहते हैं, सो पालन लोग खाते हैं। मैं इसको दिखा देती हूँ आपको, ये है क्या क्या है और ये अंदर से किस तरीके का, ये देख लीजिए। इसको मैं इसको खोलूँगी ना तो खुल भी नहीं रहा मुझसे, तो छोटा वाला पीस लेती हूँ। ये देखिए ये क्या चीज़ है, ठीक? अच्छा, ये अंदर से मैं इसको कट करके दिखाती हूँ आपको, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम मैंने इसको यूज़ कर रही हूँ। ये अंदर से इस तरीके का है, ठीक है? करीब करके दिखा देते हैं, सही? और इसको खाते हैं, कहते हैं ब्लैक काला नमक लेके ना उसके ऊपर लगा के ना फिर इसको खाते हैं। मैं इसकी प्लेट आपको दिखा देती हूँ, ये शेप इसकी ऐसी होती है, इसकी सबकी शेप ऐसी ही है। ये देखिए इसकी सबकी शेप ऐसी ही है, अजीब ही तरीके की शेप है। ये देखो, ठीक है? या किसी को पता हो तो मुझे बताइएगा, वैसे मैं लेकर आ गई हूँ, मुझे सही पता नहीं था, मैं कुछ सर्च करूँगी इसको कि है क्या चीज़। कुछ अनार चले गए थे तो वो मैं लेकर आ गई, चिंदे वगैरह सब्जियाँ और फ्रूट वगैरह मैं सब लेकर आ गई। मैंने कहा ये रोके सबको वॉश करके अब फिर मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी, और इसके बाद फिर मैं आपको शाम तक की वीडियोस के लिए अल्लाह हाफिज़ कहती हूँ। शाम को मैं भी कुछ बनाने लगी हूँ मटन का, तो या चिकन का जो भी है कुकिंग करूँगी वो मैं आपको बता दूँगी, ठीक है? अभी फ़िलहाल मैं जल्दी जल्दी इनको समेट दूँ। पाता और ये बहुत सारी शपक डबल डबल सारी चीज़ें आ गई। इसके लिए आपने को चाहिए सरफ, लीमू एक अदद की बॉटल, और साथ में आपको चाहिए सिरका, ठीक है? कोई सा भी सिरका लेते हैं इसका। और ये मैंने पानी रख दिया उबालने के लिए, ठीक है? इसके अंदर अब मैं सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड कर दूँगी। देख लो तेरी ना, मैंने ये देखिए लीमू काट के हम इसके अंदर डाल दें, ठीक हो गया। अच्छा हो जाएगा तो हम इसको ग्राइंड कर लेंगे अच्छे तरीके से। अच्छा, इसके अंदर हम डाल देंगे सिरका, कम से कम 2 से 3 चम्मच, ठीक है? लीमू ऑलरेडी डले हुए हैं।
7-8 चम्मच चलाते हैं सिरका डाल के इसको, जब ये सॉफ्ट हो जाए तो इसको आप जो है ना ग्राइंड कर लें अच्छे तरीके से। मेरा बेटा जलेबी लेकर आया है और हम सब के लिए, और हम इसको अब सर्व कर रहे हैं। लेकर थोड़ी सी आता है लेकिन हर दूसरे दिन लेकर आ जाता है माशाल्लाह से। अच्छा, जलेबी खाने के बाद फिर मैंने ये थोड़ी देर के लिए जो रखा हुआ था इसको मैंने ग्राइंड किया है। थोड़ा नीम गर्म था, थोड़ी देर के लिए मैंने छोड़ दिया था, सिरका और लीमू का पानी। ठीक है, अब इसको अच्छे से मैंने ग्राइंड कर लिया है और ग्राइंड करने के बाद फिर इसको मैं छान लूँगी और उसके बाद फिर जो है आप देखते जाएँ क्या क्या करेंगे इसके साथ। ये देखिए कितना अच्छा लिक्विड सा बन गया इसका। ठीक है, उसके बाद मैं इसको बोतल में डालूँगी, लेकिन उससे पहले भी इसको इसके अंदर थोड़ा सा बेकिंग सोडा भी डालना है। आधी चम्मच डालें, एक चम्मच डालें, ये आपकी मर्ज़ी है। अच्छा, ये आपके सारे फ्लोर क्लीनिंग जितना भी है, बाथरूम की दीवारें हैं, किचन की दीवारें हैं, या दरवाज़े हैं, या इनफैक्ट आपके जो बर्तन बहुत ज़्यादा है उसमें हैं जैसे चिकनाई हो और पीलापन हो रहा है, ये सारे बर्तनों में आप लगा के सिर्फ 5 मिनट के लिए छोड़ दें तो आपका इंशाल्लाह ताला बहुत ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट आएगा। प्लास्टिक के बर्तन हो, स्टील के बर्तन हो, बहुत ज़बरदस्त सफाई करेगा। लेकिन हाथ बचा के आप लोग, क्योंकि इससे हाथ जो है ना थोड़े से ख़राब हो जाते हैं, तो इसलिए ये सब से काम जो है ना ग्लव्स पहन के करें तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, इसको अच्छे से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद इसको छन्ने से छान के, और जो इसका लिक्विड बच रहा है वेस्टेज तो आप फेंक देंगे ज़ाहिर सी बात है, और जो लिक्विड बच रहा है वो आप इसको बॉटल में इस तरीके से डाल के और स्प्रे करके फिर आप जिस जगह पे भी स्प्रे करेंगे, और ये आप साथ में ये एक मोप वगैरह ले लें आप जो है, ये देखें। अच्छा, इसको आप छान के अच्छे से तो इसको आप इसमें डाल दें। सही है, देखिए ये पतला सा इसका मॉइस्चराइजर बन चुका है। इसका पतला सा मॉइस्चराइजर बन गया है। अब इसको जो है ना मैं इस बॉटल में डाल दूँगी, इस वाली बॉटल में। ठीक है, तो ये काम ज़रा सिंक पे ही खड़े होकर किए जाते हैं क्योंकि ये थोड़ा मुश्किल होते हैं। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, ये इस तरीके से इसके अंदर थोड़ा सा डाल दें आप। ठीक है, तो आप चाहें तो इसको अलग से बॉटल में निकाल के सेव भी कर सकते हैं, लेकिन ये लिक्विड बिल्कुल रेडी हो चुका है। देखें जी, मेरा डर्टी सा गंदा सा चूल्हा, इसके ऊपर मैं ये स्प्रे जो मैंने बनाया था इसको मैं अब इस तरीके से करूँगी ताकि अच्छे से ये साफ़ हो जाए। इससे ज़्यादा नहीं मारी है क्योंकि इसमें जो है ना फिर वो बबल्स आना शुरू हो जाते हैं तो मसला हो जाता है। बस ये थोड़ा थोड़ा सा मार लें आप। ठीक है, अब बाकी दीवार जो है ना वो भी आप साफ़ कर लें इस तरीके से। 5 मिनट इसको छोड़ने के बाद आप इसको अच्छी तरीके से कोई भी अपना मॉप वगैरह लेकर इसे अच्छी तरीके से इसको साफ़ करेंगे। ये देखें किस तरीके से पूरी चिकनाई ये बिल्कुल नीट क्लीन कर देगा, ये देखें। ठीक है, सिर्फ 2-5 मिनट भी मैंने नहीं रखा, बस थोड़ी सी देर रखा और सारा बिल्कुल देखें नीट क्लीन हो रहा है। ठीक, मैं इसको ये भी करके दिखाती हूँ, बिल्कुल साफ़ जैसे बिल्कुल ये उखड़ गया सारा। ठीक है जी, ये देखिए बिल्कुल चमकता धमकता हुआ हमारा चूल्हा। सिर्फ इसको मैंने एक बार स्प्रे किया है और 5 मिनट के लिए छोड़ा है, और उसके बाद ये देखें इसकी क्लीननेस बहुत ही, उसको कोई रगड़ाई मैंने नहीं की है, कोई ब्रश नहीं मारा, कुछ भी जूना वगैरह यूज़ नहीं किया है, लेकिन ये साफ़ सुथरा सा ये देखें नीट क्लीन हो गया है।